जल्दी। क्या कश्मीर में तिरंगे को सलाम करना गुनाह है? भारत की बात करने पर बाल काट लेंगे आतंकी। कश्मीर के सच्चे सिपाही को पानी में डुबाएंगे आतंकी। टेररिस्ट के टॉर्चर रूम में स्पेशल पुलिस ऑफिसर पर आतंकियों के जुल्म का ये नया वीडियो है। इसका एक एक फ्रेम आज कश्मीर के हर इंसान को इसलिए देखना चाहिए ताकि वो समझ सके कि आतंकी कश्मीर और कश्मीरियों के कितने बड़े दुश्मन हैं। इसके अलावा आज आपको दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान के प्रोडक्शन में कश्मीर में टीवी से टेररिस्ट बनाने का नापाक खेल चल रहा है। भारत अपने 7 लाख से ज्यादा फौज के साथ मकबूजा कश्मीर में मौजूद है और जुल्म और ज्यादतियों के जरिए कश्मीरियों के हक की आवाज को दबा रहा है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल और सऊदी अरेबिया के जो न्यूज चैनल आ रहे हैं वो भारत देश के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत देश की सेना जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किस तरह कश्मीर में केबल से पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को मिल रहा है बल? कर्फ्यू के बावजूद मकबूजा वादी में भारतीय फौज और मुजाहिरीन के दरमियान एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। जो भी नेशन की सिक्योरिटी के अगेंस्ट पब्लिसिटी करता है जो कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं है, उनका हमें लगता है कि बैन होना चाहिए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का केबल कब काटेगा इंडिया? नमस्कार, 8 बजे के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मेरे पीछे आप ये सेट देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, इनमें वो सारे चैनल्स चल रहे हैं जो बैन हैं, जो आपके कमरे में, आपके लिविंग रूम में, आपके टीवी सेट पर किसी कीमत पर नहीं दिखेंगे, लेकिन कश्मीर में दिख रहे हैं। ये तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसी स्क्रीन पर कुछ देर पहले आपके यहाँ पर एक विजुअल आपको हमने दिखाया जहाँ पर कश्मीर के युवक की पिटाई की जा रही है। उसको जरा तफसील से समझिए। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले जितना खुश पत्थरबाजों को देखकर होते हैं उतना ही डरते हैं, परेशान होते हैं मुख्य धारा से जुड़ रहे युवाओं को देखकर। और हिंदुस्तानी होने पर फख्र करने वाले युवाओं की तादाद साहब वहां पर बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा है। यही तो वजह है कि इन आतंकवादियों की बौखलाहट बेतहाशा बढ़ रही है। ये वीडियो जो आपसे कुछ देर पहले आपने देखा और आपसे कुछ सेकंड बाद जो आप देखेंगे इस बात की पुष्टि करता है। इस्लाम की आड़ में आतंक फैलाना, मासूम लोगों को बंधक बनाकर अंधेरे कमरे में टॉर्चर करना, उसका वीडियो बनाकर सर्कुलेट करना, ये बताता है कि दहशतगर्दों की जमीन हिल रही है। पहले बाल काटे, एसपीओ का इशू करें, एसपीओ का 25 लगा सर, ऐसे काटे चला और यहाँ से ड्राइव करो, फिर पानी में डुबाया। और मारते रहे, धमकाते रहे। कश्मीरी युवकों पर आतंकियों के जुल्म ढाने का ये खौफनाक वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इस वीडियो को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि कश्मीर के युवा, कश्मीर की जनता इन आतंकियों के नापाक इरादों को अच्छी तरह से समझ सके, देख सके।
ये वीडियो साउथ कश्मीर के पुलवामा का बताया जा रहा है। इस वीडियो में 2 से 3 आतंकी हैं और इनके कब्जे में है 2 कश्मीरी युवक, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये एसपीओ बनने जा रहे थे, यानी जम्मू कश्मीर के स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, जो कश्मीर की सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। एक युवक ब्लू शर्ट में है और दूसरा युवक ग्रीन टी शर्ट में है। अब इस वीडियो को शुरू से देखिए। वीडियो में सबसे पहले 3 आतंकियों के संदेश दिखाए जाते हैं। उसके बाद पहले ही फ्रेम में दिख रहा है कि आतंकी जबरन ब्लू शर्ट वाले एसपीओ के बाल काट रहा है। फिर ग्रीन शर्ट वाले एसपीओ की बारी आती है। दोनों बेबस और लाचार दिख रहे हैं, लेकिन बेरहम आतंकी बाल कतर रहा है। वीडियो के अगले हिस्से में दिख रहा है कि एक आतंकी ग्रीन शर्ट वाले इस युवक पर लाठी बरसा रहा है। युवक रो रो कर कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, मत मारो, हो रहा है, कह रहा है मुझे छोड़ दो, मत मारो। टेररिस्ट के इस टॉर्चर रूम में लाल रंग की एक दरी बिछी हुई है। घर में अंधेरे के बीच थोड़ी सी रोशनी है। युवक को फर्श पर घसीट कर लाठी से लगातार पीट रहा है ये आतंकी। कमरे में दूसरी तरफ ब्लू शर्ट वाला युवक भी है। उसके कपड़े फटे हैं। एक आतंकी पानी से भरी बाल्टी लेकर आता है। लाल रंग की दरी को समेट कर वो फर्श पर बाल्टी रख देता है। आतंकी इस युवक को जबरदस्ती उस बाल्टी के पास ले जाता है और युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबोता है। युवक मन्नतें मांग रहा, छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन आतंकी उस पर जुल्म ढाना छोड़ता नहीं है। आतंकी धमकाता रहा, कहता रहा, तुम हिंदुस्तानी फौज के लिए जासूसी कर रहे हो और अगर तुमने ऐसा करना जारी रखा तो अगली बार तुम्हें जान से मार देंगे। युवक को धमकी देने के बाद एक आतंकी फिर से उसके बाल पकड़ लेता है, पीछे से उसकी पीठ पर पैर भी मारता है। अब दूसरा आतंकी भी वहां आता है। दोनों आतंकियों ने युवक का सर पकड़कर दोबारा बाल्टी में डुबोया। इसके बाद एक बार फिर से युवक पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला होता है। इस वीडियो में दिख रहे आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन और लश्करे तैयबा के हैं। दोनों आतंकी संगठन कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी वारदात को सालों से अंजाम दे रहे हैं। आतंकी संगठन को कश्मीर में एसपीओ से बड़ा खतरा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिनकी नियुक्ति सरकार करती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर एसपीओ की तैनाती होती है। इस समय जम्मू कश्मीर में 25,000 एसपीओ तैनात है, जबकि 10,000 एसपीओ की नियुक्ति और होने वाली है। एसपीओ को पहले 1 साल तक 5,000 रुपए प्रति महीना, 1 साल पूरा होने के बाद 5,300 रुपए प्रति महीना, जबकि 3 साल पूरे होने के बाद 6,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा, एक वीडियो बनाया, बिल्कुल लो स्टैंडर्ड वीडियो, और उसके बाद उसको व्हाट्सएप पर हो सकता है इन लोगों ने इधर उधर सर्कुलेट करने की कोशिश की हो। ये तो छोटे पैमाने पर, छोटे लेवल पर है। बड़े लेवल पर क्या कुछ हो रहा है, कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसकी बानगी आप पीछे देख सकते हैं। ये जो आप तादाद में स्क्रीन्स देख रहे हैं, इन पर वो चैनल्स चल रहे हैं जो बैंड है, और इसीलिए हम आपको वो चैनल्स बहुत साफ तरीके से दिखाएंगे भी नहीं। प्रतिबंधित है ये चैनल स्क्रीन जो आप देख रहे हैं अभी, ये घर घर में मौजूद है कश्मीर के कायदे से। जो रिमोट कंट्रोल अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कश्मीर की जनता के हाथ में होना चाहिए, लेकिन ये रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथों में है। और वो क्या चला रहा है, वो सारे बैन चैनल्स जो भारत सरकार ने बैन किए हुए हैं। चैनल्स आपके और मेरे टीवी सेट्स पर किसी कीमत पर ये नहीं चल सकते हैं, लेकिन कश्मीर में न जाने कितने घरों में बेरोक टोक चल रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि भारत सरकार ने इन चैनल्स को इसलिए बैन किया है क्योंकि इनका एजेंडा एकदम क्लियर है, कश्मीर के लोगों को
ब्रेन वॉश करना। कश्मीर में पाकिस्तान के जिहादी प्रसारण का पर्दाफाश। कश्मीर में आतंक के केबल कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान ने कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को दहशतगर्द करार दिए जाने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कश्मीर में बैठकर पाकिस्तान का न्यूज चैनल देखने वाला ये वीडियो आज का है। इसे जी न्यूज ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में आमिर नाम के कश्मीरी होटल व्यवसायी श्रीनगर में पाकिस्तानी चैनल देख रहे हैं। जो इंडिया की न्यूज़ नहीं दिखा रहे वो तो पाकिस्तान की न्यूज़ें दिखा रहे हैं। कितना जुल्म हो रहा है यहाँ पे, वो तो पाकिस्तान की टीवी दिखा रही है। इंडिया की टीवी तो कुछ भी नहीं दिखा रही है, खाली प्रोपागंडा कर रही है यहाँ। वो सब कुछ हमें कल मालूम हुआ जियो न्यूज़ से और ARY न्यूज़ से, पाकिस्तान की चैनलों से। इंडिया के चैनल तो ये दिखा नहीं रहे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इन चैनलों के प्रसारण से यहाँ हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए इन पर पाबंदी रहना बहुत ज़रूरी है। ये तो सिर्फ एक सबूत है, हकीकत तो ये है कि कश्मीर के घर घर में ऐसे पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स का प्रसारण होता है जो भारत में बैन है। ये पाकिस्तानी चैनल्स भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। कर्फ्यू के बावजूद मकबूजा वादी में भारतीय फौज और मुजाहिरीन के दरमियान एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पीर को होने वाले मुजाहिरों पर भारतीय फौज ने फायरिंग करके 14 कश्मीरी नौजवानों को चाबहक कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस दौरान 80 मुजाहिरीन जख्मी भी हो गए। आतंकियों के समर्थन वाले शो दिखाकर कश्मीर के युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं ये चैनल, उन्हें भारत के खिलाफ भड़काते हैं। भारत अपने 7 लाख से ज्यादा फौज के साथ मकबूजा कश्मीर में मौजूद है और जुल्म और ज्यादतियों के जरिए कश्मीरियों के हक की आवाज को दबा रहा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1989 से लेकर जनवरी 2016 तक भारत ने 94,000 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया, जिसमें 7,000 से ज्यादा जेर हिरासत खत्म किए गए। पाकिस्तान की ओर से ये कश्मीर में टीवी से टेररिस्ट बनाने की नापाक साजिश है। कश्मीर के घर घर में केबल के जरिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के प्रतिबंधित चैनल देखे जा सकते हैं। कश्मीर में हिंसा फैलाने में इन चैनल्स की बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में प्राइवेट केबल नेटवर्क के जरिए सऊदी और पाकिस्तान के 50 से ज्यादा चैनल्स चलते हैं। केंद्र सरकार ने जियो न्यूज, डॉन न्यूज के साथ कई पाकिस्तानी न्यूज और एंटरटेनमेंट चैनल्स पर बैन लगाया है। सऊदी अरब के भी कई ऐसे चैनल्स पर प्रतिबंध है जो कट्टरता फैलाते हैं। कश्मीर के अंदर, पुंछ के अंदर, डोडा के अंदर सरेआम जो केबल ऑपरेटर्स हैं वो इनका प्रदर्शन करते हैं, लोग इसे देखते हैं और ये चैनल जो हैं वो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, लोगों को आज़ादी के लिए उकसाते हैं। खासकर मौजूदा हालात को देखते हुए कश्मीर के अंदर हमें चाहिए इन चैनल्स को, केबल ऑपरेटर्स को हिदायत दी जाए कि वो जल्द अज जल्द इन चैनल्स की ब्रॉडकास्ट जो है वो बंद करें। सर्विस प्रोवाइडर लाइबिलिटी या इंटरमीडिएट लाइबिलिटी पर विशिष्ट ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सर्विस प्रोवाइडर्स को आप दिशा निर्देश देंगे कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई जानकारी का प्रकाशन ट्रांसमिशन ना करें जो भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, और उस तरह की दिशा निर्देश या गाइडलाइंस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि भारतीय अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स के होने के बावजूद ज्यादातर लोग निजी केबल की सेवा लेते हैं और केबल पर पाकिस्तान के वो चैनल भी प्रसारित होते हैं जिन पर प्रतिबंध है। हैरानी की बात यह है कि ये टीवी वाली देश विरोधी साजिश जम्मू कश्मीर में बीजेपी PDP की सरकार रहते हुए हो रही है। और मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीथिंग, एंड सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो नेगेटिव पब्लिसिटी का इम्पैक्ट तो होता है, तो इसलिए इसका भी इम्पैक्ट है थोड़ा बहुत। जो भी नेशन की सिक्योरिटी के अगेंस्ट पब्लिसिटी करता है जो कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं है, उनका हमें लगता है कि बैन होना चाहिए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सरकार से कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल और सऊदी अरेबिया के जो न्यूज चैनल आ रहे हैं वो भारत देश के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत देश की सेना जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गलत इल्जाम वहां पर आते हैं। रात को पूरी डिबेट्स हमारे देश को तोड़ने के खिलाफ पाकिस्तान के चैनलों पर होती है और ये सारे चैनल जो है कश्मीर घाटी के अंदर धड़ल्ले से दिखाई जा रहे हैं।
इनको तुरंत प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये देश के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये भारत देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों को मिसगाइड कर रहे हैं, नेशन के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो वो चैनल बंद होने चाहिए, क्योंकि इस ये गुमराह होते हैं लोग। और जो हमारी सरकार है, पहला तो प्रायोरिटी इनकी बनती है कि सख्ती से इनके साथ निपटे। जी मीडिया रिपोर्टर राजू केरनी ने जम्मू में प्रतिबंधित पाकिस्तानी चैनल्स के प्रसारण की भी पड़ताल की। कितने चैनल ऑपरेट करते हैं और किस कौन से चैनल ऑपरेट करते हैं, क्या उनमें कोई पाकिस्तानी चैनल भी है? सर उनमें तो पाकिस्तानी चैनल कोई नहीं है। हमारे जहाँ से चैनल करते हैं कोई 150 के करीब हम चैनल करते हैं अपलोड, लेकिन कोई पाकिस्तानी चैनल नहीं है। कोई चैनल हम चलते सिर्फ इंडिया के चैनल ही होते हैं। जब जम्मू में केबल ऑपरेटर्स नियम कायदे के मुताबिक चैनल्स का प्रसारण कर रहे हैं, तो फिर कश्मीर में देश विरोधी चैनल्स का प्रसारण क्यों हो रहा है? जम्मू कश्मीर में बैन की गई कुछ पाकिस्तानी और इस्लामिक चैनल्स एक बार फिर लोकल केबल नेटवर्क पर देखने को मिल रही है, वो भी तब जब कश्मीर घाटी में हालात तनावपूर्वक बने हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इन चैनलों के प्रसारण से यहाँ हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए इन पर पाबंदी रहना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। और इन केबल ऑपरेटर्स को या सैटेलाइट ऑपरेटर्स को बकायदा एक लिस्ट भारत सरकार की तरफ से सौंप दी गई है। सिर्फ 888 चैनल्स हैं दुनिया भर के जो आप प्रसारित कर सकते हैं, 179 चैनल्स हैं जिनके परमिशन लाइसेंस कैंसिल है, वो तो दिख ही नहीं सकते हैं और दिख रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनको यूं तो BSF के जवान बॉर्डर क्रॉस करने के दौरान ही ढेर कर देते हैं और कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान कटीले तारों को पार किए बिना वायरलेस आतंकी रणनीति पर काम कर रहा है। ये कनेक्शन क्या है जरा देखिए। कश्मीर घाटी में व्हाट्सएप वाला आतंक, फेसबुक से आतंक की किताब की पढ़ाई। कश्मीर में अचानक से किसी आतंकी के एनकाउंटर वाली जगह पर पत्थरबाजों की भीड़ यूं ही नहीं लग जाती। इसके पीछे वो व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक जैसी बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही होती हैं। कुछ ही दिन पहले हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा ने सेना और पुलिस की कार्रवाई में मुश्किलें खड़ी करने के लिए पत्थरबाजों की फौज का शुक्रिया अदा किया था। जब भी हम कहीं पे मुजाहिद फंसते हैं तो वो पत्थरों से मुकाबला करने आते हैं फौज का, तो उनका हम उनके यहाँ बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस उनकी नीयत ये होनी चाहिए कि हम इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं, इस्लाम के मुजाहिद की हिफाजत कर रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर समेत बाकी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए पाकिस्तान भड़काने वाले वीडियो और संदेश फैलाता है। फर्जी वीडियो फैलाकर पाकिस्तान कश्मीर घाटी के युवकों को गुमराह करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की इन्हीं कारगुजारियों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में 22 सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर महबूबा सरकार ने बैन लगा दिया। जिन साइट्स और एप्लीकेशन को बैन किया गया था उनमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वीचैट, क्यूक्यू, क्यूजोन, गूगल प्लस, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, यूट्यूब, वाइन और फ्लिकर शामिल हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि इन साइट्स और एप्लीकेशन पर बैन के बावजूद कैसे कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में ये साइटें पहले की ही तरह खुल रही हैं। इन सोशल साइट्स को VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए खोला जा रहा है। प्रॉक्सी सर्वर की मदद से बैन साइटें आराम से खोली जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। प्रॉक्सी सर्वर के जरिए इन सोशल साइटों के इस्तेमाल को रोकने के लिए जल्दी ही कदम उठाए जाएंगे। आप एट बेस्ट अपने राष्ट्र के सर्विस प्रोवाइडर्स को कह सकते हैं कि साहब इसको ब्लॉक करके रखिए, लेकिन क्योंकि इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क्स है
और इसलिए इसके अंतर्गत विभिन्न से इनडायरेक्ट माध्यम होते हैं जिसके द्वारा आप उन बैंड वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कश्मीर में बहुत सारे लोगों ने VPNs और टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल किया है ताकि वो जो ब्लॉक्ड वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस कर सकें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे 30 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप की पहचान की थी जो अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। अफवाह फैलाने वाले करीब 65 लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले 11 एडमिनिस्ट्रेटर्स और अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के 54 सदस्यों को हिरासत में भी लिया गया था। बॉर्डर पर हिंदुस्तान के जांबाज पाकिस्तानी घुसपैठियों को रोकने के लिए दिन रात चौकस है, लेकिन पाकिस्तान अब सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरी युवकों को भड़काकर आतंकी बनाने और आतंकियों को समर्थन देने की रणनीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम करना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोशिश तो पूरी है, हर तरीके से है और हर एंगल से की जा रही है कि बरगलाया जा सके, ब्रेन वॉश किया जा सके, लेकिन रिजल्ट सिफर, जीरो है।